नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2685 नए मामले सामने आए हैं। 2158 मरीज ठीक हुए हैं। कोविड से बीते दिन 33 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 16,000 के पार पहुंच चुकी है। हरदोई में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां डंपर की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार उसमें बिलग्राम शादी में जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि सुरसा थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के पास का मामला है। थाना सुरसा क्षेत्र के लक्ष्मण निवासी कमरौली ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनका बेटा, दामाद और 3 लोग अन्य हुलासपुर थाना बिलग्राम में बारात में जा रहे थे और केंद्रीय विद्यालय के पास एक डंपर से टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार उनके बेटा और दामाद दोनों की मौके पर डेथ हो गई और एक अन्य व्यक्ति सचिन, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल मृत्यु हुई है। पुलिस ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीत किया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम अलीगढ़ थाना कोतवाली के क्षेत्र भोजपुरा में मरघट के पास दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों की पक्षों के बीच शराब पीकर बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं विवाद के दौरान 52 वर्षीय युवक को धक्का लगने से हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के गांव चंडौरा में सर्वे करने गई आशा कार्यकर्ती पर गांव के कुछ लोगों ने हमला करते हुए मारपीट की। आपको बता दें कि श्रीनिवास एक आशा कार्यकर्ती हैं, घर घर जाकर सर्वे कर रही थी। तभी इस दौरान कुछ लोगों ने आशा कार्यकर्ती को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए मंगलसूत्र खींच लिया, जिसके बाद गाँव के ही युवक ने श्रीनिवास को बचाया और थाना कदार चौक में लिखित शिकायत दी, जहाँ एक तरफ आशा कार्यकर्ती लगातार सर्वे कर रही है और कोशिश करती है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, चाहे टीकाकरण की से संबंधी समस्याएं हो, सबसे जागरूक कराती है और गांव-गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए सहायता भी प्रदान करती है। इस बीच एक आशा कार्यकर्ती के साथ जिस तरह की घटना सामने आई है, बेहद ही शर्मनाक घटना है। वहीं सर्वे करने गई आशा कार्यकर्ती पर हमला किया गया है, जिसके बाद उसी गांव के एक युवक ने बदायूं के अलापुर से एसआई अर्जुन सिंह की मौजूदगी में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 बाइकों का चालान भी किया गया, जिसके बाद एसआई ने दो पहिया वाहन चला रहे लोगों को हेलमेट लगाने का आदेश भी किया। साथ ही चेकिंग के दौरान बाइक चला रहे नाबालिगों का सबसे ज्यादा चालान किया गया। फरुखाबाद में जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने कुशल निर्देशन पर जिला जेल का बदला हुआ नजारा देखने को मिला, जहां जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए लकड़ी के उत्पादों की नामचीन शोरूम में बिक्री होगी, जिसको अमल में लाने के लिए सहायक उद्योग आयुक्त, जेल अधीक्षक समेत कैदियों से वार्ता की, जबकि सहायक आयुक्त ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 8 महिला कैदियों के लिए सिलाई केंद्रों का भी चयन किया। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के धामपुर में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पति अपनी पत्नी को ससुराल लेने गया था, वहीं पत्नी ने किसी विवाद के चलते पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। थाना धामपुर के उमरपुर बागर गाँव की 21 वर्षीय रश्मि नाम की बालिका का विवाह अब से 6 माह पूर्व दिसंबर 2021 में मुजफ्फरनगर के छपार थाने के दतियाना गांव में सुमित नाम के लड़के से हुआ था। सुमित अपने ससुराल उमरपुर बागर आया था कल रात में।
इसी बात के लेकर के विवाद हुआ। दहेज की मांग का उल्लेख किया गया है। आज दोपहर बाद सुमित ने अपनी पत्नी रश्मि पर सब्जी बनाने वाले चाकू से वार कर दिया। रश्मि की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा सुमित को हिरासत में ले लिया गया है। 304 भी दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायत नामा पोस्टमार्टम कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में आए दिन बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें खुलेआम सामने आ रही हैं। वहीं ताजो मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां मामूली से बात पर विवाद हो गया। फिर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने घर पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। जो इस हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल हो गए। घायल पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मैं BDO ऑफिस में चौकीदार के पद पर कार्यरत हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने दरवाजे पर आकर के ड्यूटी पे से आकर के बैठता हूँ। जैसे ही मेरे पास बुजुर्ग लोग आकर के बैठ जाते हैं। आज ये हुआ कि मैं ड्यूटी पे से आकर के बैठा और आकर के मैंने कही वो औरत ठीक नहीं है भाई, मेरे दरवाजे पर यहाँ किसी की हेल्प कही। और कौन है? संजीव कुमार है। औरत कौन है? औरत पता नहीं, मैं नहीं जानता। नॉन औरत है। अच्छा। मैंने उससे मना करी, वो इस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर भड़क गया। इसमें दो पार्टियां, एक संजीव एक धीरज, दोनों एक ही गली में रहते हैं और किसी बात को लेकर इसमें साथ में ये बैठे थे और किसी बात को लेकर इनका आपस में कहासुनी हो गई। लेकिन आपस में दोनों वहां झगड़ा करने लगे, जो गली के कुछ लोगों ने आके इनका बीच बचाव कर दिया। कुछ वहां से दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद धीरज 3-4 लड़कों के समेत आया, संजीव अपने घर के सामने खड़ा था। तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।